सॉरी सर, लेकिन मुझे ऐसे फील आ रहा है कि डॉन 3 मुझे पे बनेगी। दो ठानों की पुलिस जो मेरे पीछे पड़ी है। यू गॉट द जोक राइट? आशीष मजाक नहीं। ओके पापा, लेकिन सर आप ही सोचिए ना, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जो मेरे साथ एफबी पे मेरी फ्रेंड है, उनसे ना मैं कभी मिला हूं ना मेरी कभी बातें हुई है, लेकिन फिर भी वो मेरे एफबी पे फ्रेंड है। वैसे ये जो लड़की आप बता रहे हो, क्या नाम? गीता, राइट? वो भी वैसे मेरी एक एफबी की फ्रेंड है जिससे मेरी कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुई, और आप खुद चेक कर सकते हो कि मैंने आज तक उसकी एक फोटो तक लाइक नहीं की सर। हमें पता है, हमने चेक किया है गीता के फेसबुक प्रोफाइल। दैट्स इट, इसी से सबूत ये प्रूफ हो जाता है ना सर कि गीता जो है वो मेरी बस एफबी की फ्रेंड है, रियल फ्रेंड नहीं। और सर ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे ही होता है, अगर आप मुझे अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे तो मैं एक्सेप्ट कर ही लूंगा मोस्ट प्रोबेबली। बस आशीष, सुन लिया आपने, खुद देख लिया ना, अब बस। गीता की बहन श्रुति ने फोन पे बात करते सुना था तुम्हारे साथ। मेरे साथ? मेरे फोन पे? हाँ। ये लीजिए मेरा फोन। मेरे फोन पे आप चेक कर सकते हैं कॉल लॉग्स, कॉल हिस्ट्री जो भी है, और आपके पास तो ऐसे सारे सॉफ्टवेयर भी होते हैं ना जिससे आप डिलीटेड चीजों को भी वापस लेकर आ सकते हो, तो वो भी चेक कर लीजिएगा। गीता को नहीं जानते, जाह्नवी को तो जानते होगे। जाह्नवी के बारे में कोतवाल थाने के इंस्पेक्टर नटवर को मैं सब कुछ बता चुका हूं। फिर से बता दो प्लीज। ओके, सो मैं रिपीट करता हूं कि जाह्नवी मेरी रियल फ्रेंड है, जाह्नवी को मैं मेरे कॉलेज टाइम से जानता हूं, और जाह्नवी से मेरी फोन पर बातें होती थी, आप कॉल लॉग्स और कॉल डिटेल्स में देख सकते हो, जाह्नवी के साथ मैसेजेस पर भी बातें होती थी, हम लोग डेट पर भी गए थे, ठीक है। लेकिन आप ये जो बता रहे हो ना कि 19 तारीख को जाह्नवी गायब हुई और उसका आरोप भी आप मुझ पर डाल रहे हो और मुझसे चीजें पूछ रहे हो, सो सर 19 तारीख को मैं ना जाह्नवी को मिला ना मेरी उससे कोई बात हुई, लेकिन मैं जाह्नवी के लिए कंसर्न हूं और मैंने जाह्नवी के लिए एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया था, आप मेरे फोन में चेक कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पर, और वीडियो ये थी कि हम कब तक पुलिस के भरोसे बैठे रहेंगे, हमें भी तो कुछ करना है। सो ये चीज आप को मैं शेयर करूंगा और आप अपने पेज के ऊपर भी शेयर कीजिएगा। और सर ये जो आप पूछ रहे हो ना, ये गीता की बहन ने किसी आशीष से बात करते हुए सुना ये वो, तो सर आपको भी इतना कॉमन सेंस तो होगा ही कि इस दुनिया में बस एक आशीष नहीं है, काफी सारे आशीष है, ठीक है। तो आशीष इज द कॉमन नेम, नो ऑफेंस मम्मी, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कि आशीष इज द कॉमन नेम, दूसरा कोई आशीष हो सकता है, मैं ही क्यों भाई। हो गई तसल्ली आपको?